नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाने वाला त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। राखी का त्योहार हिंदू धर्म में खास मान्यता रखता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहनें भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और अपने भाई की सलामती की प्रार्थना करती है। बदले में भाई भी अपनी बहन को हमेशा रक्षा करने का वचन देता है। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा 22 अगस्त 2021 को ही है। यह दिन रविवार को पड़ रहा है। इसके अगले दिन ही भादो महीना आ जाएगा। यह त्योहार जितना पावन है इसे मनाने के समय का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। राखी बांधने के भी कई शुभ मुहूर्त होते हैं। ज्योतिषों की माने तो अगर आप शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांधते हैं तो इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। ऐसे में यह बात जानना बेहद जरूरी है कि राखी को शुभ मुहूर्त में ही बांधना चाहिए। बता दें कि इस साल कई सालों के बाद कई तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि राखी बांधने के लिए सबसे बढ़िया है। तो वही दूसरी तरफ इस बार सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा नक्षत्र भी रहने वाला है, जिससे लोगों को बच के रहना है और उस समय राखी नहीं बांधना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 22 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय राखी बांधना नुकसानदेह हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। खासकर दो विशेष शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें राखी बांधना भाई और बहन दोनों के लिए फलदायी साबित होगा। इस बार सावन पूर्णिमा के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के साथ ही साथ शोभन नक्षत्र भी बन रहे हैं। इस दिन सुबह 6:15 से सुबह 10:34 तक शोभन का योग रहने वाला है। वहीं धनिष्ठा का योग शाम के 7:39 तक रहने वाला है। बात अगर सबसे शुभ मुहूर्त की करें तो 22 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय दोपहर में 1:44 से लेकर शाम 4:23 तक रहने वाला है। इस दिन यह सबसे शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर राखी बांधना कई मायनों में लाभदायी होगा। यह समय राहु काल और भद्रा से पूरी तरह मुक्त रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु और भद्रा काल में शुभ काम नहीं करना चाहिए। राहत की बात तो यह है कि राखी वाले दिन भद्रा काल दिन भर नहीं रहने वाला है। रक्षाबंधन के दिन उपवास रखते हुए राखी को बांधा जाता है। राखी की थाल को चंदन, अक्षत, दिया और मिठाई के साथ तैयार रखा जाता है। वहीं इस दिन रेशम या फिर सूत की डोरी वाली रंग बिरंगी राखियों को बांधना चाहिए। अब इस त्योहार के दिन भाइयों द्वारा बहनों को खास उपहार देने का भी प्रचलन बढ़ा है। बहनें खासकर राखी को बांधने वक्त एक खास मंत्र का जाप कर सकती हैं। यह मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमापि बदनामी रक्षे मा चल मा चल। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जिस रक्षा सूत्र से महाशक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। इसी कामना के साथ बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। आपको बताते चले कि राखी को मनाने के पीछे कई पौराणिक कहानियां भी है। माना जाता है कि इसी दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बलि की कलाई पर राखी बांधी थी। ऐतिहासिक कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मदद के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। इन्हीं पौराणिक मान्यताओं को आज भी जहन में रखते हुए भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। तो आप भी इस बार इस पावन त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं। साथ ही हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बार राखी पर आप अपनी बहनों को क्या गिफ्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।